जैन साथियों, मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ये दो चीज़ों में दिए जाते हैं, एक तो फिल्म के लिए और दूसरा दिया जाता है टेलीविज़न के लिए। अर्थात जो टेलीविज़न में सीरियल्स नहीं आते, सास बहू का झगड़ा, छोटी बहू, बहुत सारे आते हैं। और एक आता है हमारी मूवीज़ के लिए, जैसे कि कई सारी मूवीज़ आ गई, वार हो गई, तो मूवीज़ के लिए भी दिया जाता है और टेलीविज़न के लिए भी दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बाबू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एग्जामिनर बिल्कुल रखता है और जो लगाता है प्रीवियस ईयर वो जानता है ये बात। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिल्म के क्षेत्र में किसको क्या दिया गया। फिल्म जो 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है उस क्षेत्र में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, पहला वर्ड कौन सा बाबू? बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा। तो ये अवार्ड दिया गया है नोमैड लैंड को। किस मूवी को दिया गया है बाबू? नोमैड लैंड को। नोमैड लैंड को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का। अगला आ जाता है बाबू, जो इसी का अवार्ड है फिल्म श्रेणी का, बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड गया है वो हो जाता है क्लो झाओ। क्लो झाओ हो जाते हैं। किस मूवी के लिए? तो इसी नोमैड लैंड के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया बाबू? नोमैड लैंड का के लिए दिया गया है। अगला जो अवार्ड आ जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है बच्चा चैडविक बोसमैन को। किसको दिया गया है बाबू? चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का चैडविक बोसमैन को दिया गया है। किस मूवी के लिए? तो यहां पर मैं मूवी का नाम लिख देता हूं, मा रेनी एंड ब्लैक बॉटम। मा रेनी एंड ब्लैक बॉटम। बॉटम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार आए हैं, तो इसमें बेस्ट अभिनेता या बेस्ट एक्टर चैडविक बोसमैन किस मूवी के लिए दिए गए? तो मा रेनी और ब्लैक बॉटम के लिए। अब आएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बाबू? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा, इनका नाम हो जाता है अंड्रा डे। अंड्रा डे, अंड्रा डे, ये यूएसए वर्सेस बिली हॉलीडे। यूएसए वर्सेस बिली हॉलीडे नाम की मूवी के लिए, हॉलीडे। तो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, मा रेनी एंड ब्लैक बॉटम, बेस्ट अभिनेत्री अंड्रा डे, यूएसए वर्सेस विली हॉलीडे के लिए। अब मैं बात करूंगा किसकी बाबू? तो इसी का अवार्ड है। ये तो मूवीज के लिए था ना, पिक्चर के लिए था जो मूवीज आती हैं। अब बात करेंगे टेलीविजन, टेलीविजन के लिए, ये दोनों में दिया जाता है, फिल्म और टेलीविजन दोनों में। तो ये मूवीज के लिए था, बात करेंगे टेलीविजन में, उसमें भी बेस्ट सीरियल, फिर बेस्ट एक्टर, फिर बेस्ट सब दिया जाता है। तो टेलीविज़न में बात करेंगे टेलीविज़न अवार्ड, अर्थात जो सीरियल नहीं आते, टेलीविज़न, टेलीविज़न अवार्ड। कौन से बाबू? टेलीविज़न अवार्ड। तो मैं बात करूंगा बेस्ट टेलीविज़न सीरीज, सबसे पहला कौन सा? सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज, टेलीविजन सीरीज। तो ये कौन सी है बाबू? ये हो जाती है क्राउन, द क्राउन। कौन सी हो जाती है बाबू? द क्राउन। किसके लिए दिया गया है? द क्राउन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कौन से बाबू? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाते हैं बच्चा? ये हो जाते हैं बाबू जोस ओ आनर, कौन हो जाते हैं? जोस ओ आ नर। किसके लिए? तो इनको भी द क्राउन के लिए। किस सीरियल में काम करते हैं? तो किस सीरियल के हीरो हैं? तो जोस ओ आर्नर के हो जाते हैं। अगला हो जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कौन सा बच्चा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो अभिनेता में जोस ओ आर्नर को दिया गया, जबकि अभिनेत्री में एम्मा कोरोन, कौन हो जाती है बाबू? एम्मा, एम्मा कोरीन हो जाती हैं। ये भी द क्राउन की हीरोइन है। किस सीरियल में काम करती हैं? द क्राउन में। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो अभी हाल ही में आया 2021 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए। आपका ही परिवार है, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और लाइक कर दीजिए क्लास को, और एक नोट्स बनाइए। करेंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जीके करेंट टॉप 20 करेंट अफेयर्स चल रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं। एक नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।